हेलो एवरीवन, मैंने जैसे बात की थी पिछले लेक्चर में लाप्लास के थर्ड पार्ट में कि और आगे हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे, सो आज मैं वही लेके आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन करेंगे, आज थोड़ा स्पीड से करेंगे। सो पहला प्रॉब्लम क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी, वेयर टी इज़ बिटवीन 0 to 4 एंड 5 टी इज़ ग्रेटर देन 4। इस लेक्चर में आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला की, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा देता हूँ। इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी वी इक्वल्स टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी माइनस ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन डी बाई डी यू और डी बाई डी वी ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ v dv ब्रैकेट ओवर इंटू dv होल का भी इंटीग्रेशन होगा। सो इसमें दो बार इंटीग्रेशन है, पहले v का होगा फिर होल का होगा। ओके, सो अब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला की ज़रूरत तो होगी, जब पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखी थी लाप्लास की। सो लाप्लास की डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 to ∞। ग्रेटर देन 4 है तो 4 से कहाँ तक, वो कुछ दिया नहीं है तो क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट 5 5, यानी कि हमारा हो जाएगा एफ ऑफ टी। इसके बाद के स्टेप में लिखेंगे एफ ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ओके, सो अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। 0 to 4 में एफ ऑफ टी क्या है, टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी प्लस 4 to ∞। एफ ऑफ टी क्या है, 5 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी। अब टी इंटू ई रेस टू एस टी ये क्या हो गया, यू वी वाली फॉर्मूला हो गई। तो हम यहाँ पर यू वी वाली फॉर्मूला पुटअप करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ब्रैकेट में टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी। अब क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं यू, इसको हम बोल देते हैं वी। अब यहाँ पर देखते जाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। सो पहले क्या है, यू हमारा कॉन्स्टेंट है यानी कि टी कॉन्स्टेंट। वी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब क्या है, बीच में माइनस है। अब क्या है, यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो जाएगा। फिर यू का फिर से इंटीग्रेशन, होल का तो इंटीग्रेशन है ही, वी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस पूरा काउंस 0 to 4 प्लस इसका तो इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 ई रेस टू एस टी का ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। इसकी लिमिट क्या है, 4 से इनफाइनाइट। अब टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस, अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एस टी माइनस एस, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर, दो बार ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट ओवर 0 to 4 प्लस 5 ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट 4 to ∞। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे सिर्फ आपको लिमिट ही पुटअप्स करनी है, आगे कुछ दूसरा नहीं करना है, आगे आपको लिमिट ही पुटअप करनी है। सो ये सब हम यहाँ तक ही रखेंगे, आगे का आपको सेल्फ में देता हूँ ये न्यूमेरिकल, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, 11, 12 साइंस ही है, क्योंकि लिमिट ही पुटअप करनी है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। सो लाप्लास ऑफ ई रेस टू 5t प्लस कॉस 3t माइनस ई रेस टू माइनस 5t कॉस 3t, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला के बेस ही है। सो ई रेस टू 5t का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ पर ए क्या है हमारा, 5, प्लस कॉस 3t का लाप्लास क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या हो गया हमारा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस इसका लाप्लास क्या होगा, ई रेस टू माइनस 5t इंटू कॉस 3t एस माइनस ए, माइनस क्या है, माइनस 5, ए क्या है हमारा, ये ए है और ये बी है, अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, 3 स्क्वायर।
सो इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस 5 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 9। या अब दो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्या है, लाप्लास ऑफ टी क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस 4t। इसमें क्या होगा, टी क्यूब यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए, यानी कि ये हमारा ये होगा माइनस 4 एन प्लस 1। एन क्या है हमारा 3 है, एन प्लस 1 यानी कि 4। सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस माइनस प्लस 4 रेस टू 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये सब मैंने फॉर्मूला में पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जाके पार्ट वन जो पार्ट टू जो फॉर्मूला का है वो देख लीजिएगा। ये बिकॉज सब कुछ फॉर्मूला के बेस ही है, अगर आपको फॉर्मूला आ जाएगी ना तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी हार्ड नहीं है। सो इसमें क्या है, लाप्लास ऑफ ई रेस टू 3t इन द ब्रैकेट 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t ब्रैकेट ओवर। सो क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ई रेस टू माइनस 3t 2 cos 5t, ये 2 मैंने आगे ले लिया है, माइनस 3 ई रेस टू माइनस 3t sin 5t। ओके, सो अब इसका इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला के वाइज ही है, 2 कांस्टेंट है सो एज इट इज रहेगा। सो कॉस है तो क्या हो गया, एस माइनस माइनस 3, ये हो गया हमारा ए और ये है हमारा बी, ये ए है और बी है, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या हो गया हमारा 5, 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है। अब साइन की फॉर्मूला क्या है, ए ये है हमारा a और ये है हमारा b, b अपन b क्या है हमारा 5 अपन s माइनस a स्क्वायर, a क्या है हमारा 3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 5 स्क्वायर। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू एस माइनस माइनस प्लस 3 अपन s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 5 15 अपन एस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। अब आपको आगे जाना है तो जा सकते हैं, मैं ले जाता हूँ, देख लीजिए। ये क्या है, इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो एस प्लस 3 होल स्क्वायर, सो एलसीएम यही आएगा 25। ऊपर क्या है, 2 इंटू एस, 2 एस प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2s माइनस 9 अपन s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया हमारा आंसर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर में और भी थोड़े एग्जांपल देखेंगे और लाप्लास का ये टॉपिक यहाँ पर ही ओवर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।